मिशन 2024 के लिए भाजपा का एक्शन प्लान तैयार। चरणबद्ध तरीके से बड़े नेताओं को मैदान में उतारेगी भाजपा। पीएम मोदी की रैलियों को लेकर भाजपा ने बनाई एक खास रणनीति। भाजपा अपने विरोधी दलों से कैसे करेगी मुकाबला, इस रिपोर्ट में देखिए। भाजपा लगातार तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनाने के लिए अभी से मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गाजीपुर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मिशन की शुरुआत की है। लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने क्षेत्रीय दलों से टक्कर लेने के लिए अपना पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों की बात करें तो पहले चरण में भाजपा के शीर्ष नेताओं का होगा कार्यक्रम। पहले चरण में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम तय किया गया है। पार्टी ने अपने पहले चरण में बसपा, सपा और कांग्रेस के कब्जे वाली 14 सीटों को चुना है। इन पर जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी रैली करेंगे। इन सीटों पर कुछ दिग्गज केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के कार्यक्रम भी तय किए गए हैं। इन्हीं निर्धारित कार्यक्रमों के तहत जेपी नड्डा ने गाजीपुर से मिशन 2024 का शंखनाद किया है। हारी हुई सीटों के बाद जीती हुई सीटों पर फोकस। यूपी में पहले चरण पर हारी हुई विधानसभा सीटों का दौरा खत्म करने के बाद भाजपा अपनी जीती हुई 66 सीटों पर फोकस करेगी। इनमें शाह नड्डा और योगी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा केंद्रीय मंत्री और संगठन पदाधिकारी का कार्यक्रम होगा। दूसरे चरण में पीएम मोदी चुनावी माहौल बनाएंगे। दूसरे चरण में लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास समारोह के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होगा, जिसमें शामिल होकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी भाजपा के पक्ष में लोकसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करेंगे। वहीं भाजपा की तैयारियों पर काउंटर अटैक करने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। अखिलेश यादव मार्च से पूरे प्रदेश भर में दौरा करेंगे, भाजपा के खिलाफ और अपने पक्ष में लोकसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करेंगे। अखिलेश अब हर चुनाव को अपनी पार्टी के अस्तित्व का चुनाव मानकर लड़ रहे हैं। जल्द ही भाजपा की नीतियों के खिलाफ शिवपाल और अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जेल भरो आंदोलन शुरू करने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने कटाक्ष करते हुए क्या कुछ कहा है। नहीं देखिए, अच्छी बात है, अखिलेश यादव जी ने अभी अभी कुछ दिनों पहले ही घर से निकलना शुरू किया है और उत्तर प्रदेश की जनता उनको और उनकी पार्टी को अच्छी तरह से पिछले कई वर्षों में समझ चुकी है। किस तरह से वो लोग अपराध, गुंडागर्दी, जातिवाद, सांप्रदायिकता को पोषित करते हैं और उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। और जहां तक बात रही जेल भरो की, तो जेल में तो उनके नेता लगातार जा रहे हैं, कोई शराब कांड में चला जा रहा है, कोई फर्जी दस्तावेज में, तो उन्हें जेल भरो की जरूरत ही नहीं है। उनके जो कर्म हैं वो ऐसे हैं कि वो अपने आप जेल तक पहुंचते रहेंगे। एक तरफ जहां विपक्ष लोकसभा चुनाव को अपने अस्तित्व की लड़ाई मानकर लड़ रही है, तो वहीं भाजपा किसी भी सूरत में विपक्षी दलों को एक भी मौका देने से बच रही है। यही वजह है कि पार्टी में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपना पूरा रोड मैप अभी से तैयार कर लिया है। मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज से चुनावी संखदाद रैली के साथ इसकी शुरुआत कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वांचल के गाजीपुर जिले से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता दौरा पर रहेंगे और इसके साथ ही मिशन 80 को मजबूत करते रहेंगे। इतना ही नहीं, इस चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सौगात भी देंगे और इस वर्ष कई लोकार्पण और शिलान्यास कर सरकार अपनी योजनाओं को गति भी देगी। वीडियोलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।